अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है मैथमेटिकली इंडक्शन चैप्टर नंबर 3, जो कि है इंडक्शन एंड रिकर्जन। और इसका पहला टॉपिक ही इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में आ सकता है पेपर में। सो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकली इंडक्शन हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है। इफ़ अ स्टेटमेंट P of n is true for n is equals to 1 and P of n is true for n is equals to k, where k belongs to natural number, it implies the truth of P of n for n is equals to k plus 1, then P of n is true for all positive integer। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट पी ऑफ वन के लिए, उसके बाद पी ऑफ के लिए, उसके बाद पी ऑफ के प्लस वन के लिए अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो स्टेटमेंट हर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए, वो ट्रू होगी। तो इस मेथड को या फिर इस टेक्निक के ज़रिए हम किसी भी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, दो साइड्स जो हैं उनको हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो ये आ जाएगा पी ऑफ वन एंड फॉर ऑल के, पी ऑफ के इट इम्प्लाइज फॉर ऑल पी ऑफ के प्लस वन, फॉर ऑल एन पी ऑफ एन। ये इसको आप मैथमेटिकली भी पढ़ सकते हैं कि पी ऑफ वन और पी फॉर ऑल के, पी ऑफ के इट इम्प्लाइज़ के ऑफ प्लस वन, इट इम्प्लाइज़ फॉर ऑल पी ऑफ एन, इसके लिए भी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी। सो ये इसकी एक इंट्रोडक्शन है और इसमें इतना कोई ख़ास है नहीं जो कि डिस्कस किया जाए। सिंपल इसका मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूँ, जो कि एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 2 की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1। सो इसको हम प्रूव करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकली इंडक्शन। सो पहली चीज़ क्या है कि फॉर n इज़ इक्वल्स टू 0, ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। सो यहाँ पर जब हम n की जगह 0 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको लें तो 2 की पावर 0 इज़ इक्वल्स टू, इसी तरह 2 की पावर 0 प्लस 1 माइनस 1, ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल्स टू 2 माइनस 1, सो 1 इज़ इक्वल्स टू 1, सो ये स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। इसी तरह जब हम n की जगह हम k रखेंगे तो उसके लिए भी ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होगी। वो कैसे, 1 प्लस 2 प्लस 2 का स्केयर प्लस अप टू सो ऑन 2 की पावर k इज़ इक्वल्स टू 2 की पावर k प्लस 1 माइनस 1, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब हम आ जाते हैं थर्ड के लिए, जो कि है n की जगह हम k प्लस 1 रखेंगे, या फिर हम रिप्लेस करते हैं k को ही k प्लस 1 से, वो आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, जिससे आप चाहें वो आप लिख लें कि
रिप्लेस के इज इक्वल्स टू के प्लस वन, या फिर बेहतर ये है कि एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन आप लिख लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं ऐड कर देता हूँ, एडिंग टू की पावर के प्लस वन ऑन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा वन प्लस टू, प्लस टू का स्केयर प्लस एक, टू की पावर के, ये आ जाएगा प्लस टू की पावर के प्लस वन इज इक्वल्स टू टू की पावर के प्लस वन माइनस वन, और हमने टू की पावर के प्लस वन को बोथ साइड पे ऐड करवा दिया, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है, पहले तो मैं पिछली वाली स्टेटमेंट एक दफ़ा फिर से लिख देता हूँ, वन प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू की पावर के प्लस वन और प्लस सॉरी इक्वल्स टू टू की पावर के प्लस वन माइनस वन प्लस टू की पावर के प्लस वन। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू इंटू टू की पावर के प्लस वन माइनस वन, बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो टू इंटू के प्लस वन प्लस वन। अब ये जो है के प्लस वन, ये किसके इक्वल है, एन के, और ये माइनस वन एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट अगेन जो है ये इसके इक्वल है, वन प्लस टू टू का स्क्वायर प्लस टू की पावर के प्लस वन। सो ये तीनों जो है पी ऑफ वन के लिए भी, सॉरी पी ऑफ ज़ीरो के लिए भी, पी ऑफ एन के लिए भी, और पी ऑफ के प्लस वन के लिए भी, तीनों के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब क्या है, दिस शो दैट जो हमारी इक्वेशन है वन प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर प्लस टू की पावर के इज इक्वल्स टू टू की पावर एन प्लस वन माइनस वन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। सो ये जो ट्रू हो जाएगी, तो फिर हम कह सकते हैं the equation is true for all positive integers। so ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके मज़ीद क्वेश्चन सब भी सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।